गुड मॉर्निंग। ये अब हम जो मैं आपको बता रहा था पदयात्रा का, ये हमारा वो रास्ता है जो बिल्कुल डीप फॉरेस्ट में जाता है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मेमोरेबल रहेगा। हमारी 7 पदयात्रा थी, जिसका एक लास्ट पदयात्रा है जिसमें परिवार हमारा शामिल है, जिसमें हमारी मैडम श्रीमती रेखा गर्ग और मेरी बेटी अनुष्का, जो आप देख रहे हैं, आगे चल रही है। उससे भी आगे हमारे परिवार के और सदस्य, हमारी चाची हैं, वो चल रही हैं। तो हम गुजर रहे हैं इस रास्ते से। आप देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये डीप, पूरा डीप फॉरेस्ट, ये जंगल आप देख रहे हैं। और एक ऐसा एहसास ये दिलाता है जैसे प्रकृति के बिल्कुल नजदीक और हम जो है गुजर रहे हैं। मुझे शुरू से ही प्रकृति से बड़ा विशेष लगाव रहा है, और चूंकि मुझे एक फोटोग्राफी का भी शौक है, और पक्षी और वन्य जीव का फोटोग्राफ्स तो मैं डेफिनेटली आप सबको शेयर करता रहता हूँ। इसके साथ ही मुझे लैंडस्केप और जंगल में भी इस तरह की ट्रेवलिंग बड़ी पसंद है। तो आप सब देख रहे हैं, एक बार आप ये धार्मिक यात्रा होने के साथ साथ ही और प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, तो उस उद्देश्य से जो है ये हमारी चाची है, हमारी मैडम गुड़िया, ये गुड़िया अनुष्का। तो ये हम सैंगापुरा से शुरू करते हैं, और ये बांधवा चौकी जहाँ नरसिंह जी का मंदिर है वहां तक ये रहेगी। ये 10 किलोमीटर का रास्ता होता है जो सैंगापुरा से शुरू होता है। वैसे हम इस पदयात्रा को गंगापुर से शुरू करते हैं, तो 24-25 किलोमीटर की पदयात्रा हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। आज ये 10 किलोमीटर की पदयात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। तो पहले भी मैंने आपको शेयर किया था, आज आपको जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कई रेयर बर्ड्स भी मेरे को मिली है, जैसे व्हाइट ईयर्ड बुलबुल, रेयर बर्ड्स नहीं कहेंगे, एक्चुअली न्यू फाइंड कह सकते हैं, जो इस एरिया में मुझे मिली है, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, और विंटर विजिटर्स भी मिली हैं, जैसे कॉमन स्टोन चैट, साइबेरियन स्टोन चैट जिसको बोलते हैं, पाइड बुश चैट। इसके अलावा बाकी जो रूटीन की जो वर्ड्स होती है जो आपको मिलती है, उनकी भी बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है। आप रास्ते को थोड़ा सा देखें, ये बिल्कुल एक पगडंडी वाला रास्ता है, और इस रास्ते में आपको आगे डीप फॉरेस्ट के साथ साथ घाटियां, दर्रे मिलते हैं, बिल्कुल चट्टाने मिलती है, नदियों का भी इसमें रास्ता है, लेकिन अब चूंकि नदियां सारी सूख चुकी है, जब बांध बने हैं उसके बाद नदियों का पानी का आवक जो है वो हट गया है, चला गया है, तो इसलिए नदियां सूख गई है। अदरवाइज पहले नदियों से भी गुजरना पड़ता था, क्योंकि ये रास्ता हम बहुत पहले से इस रास्ते से रूबरू हैं, बहुत पहले से हम बचपन से ही पदयात्रा करते रहे हैं, तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि पहले नदियों को भी पार करना पड़ता था। मैं गुड़िया को एक बार मेरा कैमरा दे रहा हूँ, मेरे को दे। तो दोस्तों ये है नरसिंह जी का पदयात्रा का मार्ग, जिसे मैं आप सबको शेयर कर रहा था, और मेरा कैमरा मेरे साथ है, आप देख रहे हैं मेरा कैमरा ये मेरे साथ है, और देखते हैं कुछ नया फाइंड और यहाँ मिलता है तो मैं उसके भी फोटोग्राफ लूंगा। हमारे चाचा जी जो मेरे साथ है, हम सैगपुरा से हमारे साथ ये चलते हैं, और यही हमें गाइड करते हैं पूरे रास्ते का, क्योंकि ये रास्ता जो है इतने इसमें कंफ्यूजन है इस रास्ते में, तो इसमें इनका गाइडेंस के जरिए हम जा पाते हैं। तो ये है बाकी।
मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग मैंने चेंज की है। पहले बैक कैमरा चल रहा था, मैं फ्रंट कैमरे पे आ गया हूँ, क्योंकि चूंकि मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे पास ही मोबाइल है, तो इसलिए मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ी। तो जो व्यवधान हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं, आप देख रहे हैं पूरा रास्ता, इतना डीप रास्ता जो है वो, ये पूरा फॉरेस्ट भी पूरा डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि अभी ये मौसम जो है वो एक तरह से बसंत का मौसम है। थोड़ा बहुत ग्रीनरी भी आप साथ में देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे बताया, मेरे चाचा जी ने बताया था, यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिस पर बिल्कुल लाल सुर्ख कलर के जो है वो फूल गर्मियों में खिलते हैं, यानी जब सब पेड़ सूख चुके होते हैं उस टाइम वहाँ पर वो, तो मुझे लगता है शायद वो पलाश का पेड़ होगा। मैं एग्जैक्ट वनस्पतियों के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो पलाश का वृक्ष होगा। तो ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रास्ता आपको दिखाना चाहता हूँ, कितना गहरे गहरे रास्ते से हम गुजर रहे हैं, जो बिल्कुल जंगलों में होकर निकल रहे हैं, और रास्ते में बड़ा सोच समझ के एक एक कदम जो है, इतना ये सकड़ा रास्ता है कि आपको एक एक कदम जो है वो सोच समझ कर।